हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास एट्थ। तो स्टूडेंट, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर है इसका रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर स्टूडेंट क्या होते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर। P and Q are integer and Q is not equal to 0 is called rational number. माइनस एट अपॉन फाइव, माइनस वन, टू अपॉन सेवन, ये मतलब जो P अपॉन Q के फॉर्म होंगे वो आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर। तो इसमें स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हैं, आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी में फर्स्ट को प्रॉपर्टी है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो ये आपको स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टी उसमें बुक में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीस्ट फॉर्म में, बिल्कुल मतलब जिसका कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, वन के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर आप ये भी देखेंगे कि रैशनल नंबर की हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, उनको आपस में कंपेयर कर रहे। कंपेयर करने के पास हमारे पास टू ऑप्शन है स्टूडेंट, टू मेथड है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं और आपका एक एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम रैशनल नंबर को कंपेयर करना भी सीखेंगे यहाँ पर। फिर कुछ नंबर आपके होंगे जो डिसेंडिंग और असेंडिंग में आपको अरेंजमेंट करना है। तो स्टूडेंट ये आपकी फर्स्ट ए एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर वन, एक्सप्रेस माइनस फोर अपॉन फाइव एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर दिस 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 एंड दिस। ओके स्टूडेंट, ये आपको क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, कि जो माइनस फोर अपॉन फाइव आपको रैशनल नंबर दिया है, तो अब डिनोमिनेटर 20 लेके आना है। तो स्टूडेंट इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि माइनस फोर अपॉन फाइव है और आंसर में डिनोमिनेटर कितना लेके आना है, 20। तो अब यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर 20 है, तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। जितने का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करेंगे, उतने का ही मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा कि 5 4 20 और माइनस 4 4 -60। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका माइनस फोर अपॉन फाइव, अब आपको कितना लेके आना है, माइनस के 30। अब माइनस 30 स्टूडेंट कैसे आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि नीचे माइनस की रिक्वायरमेंट है, तो हमने माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई नीचे किया, माइनस सिक्स का ऊपर किया, तो 5 6 30 माइनस 4 6 24 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस। क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर टू क्या है स्टूडेंट, का माइनस 28 अपॉन 98 है। अब आपको क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर कितना लेके आना है, 7। तो 98 आपका डिनोमिनेटर है और लेके कितना आना है, 7। तो आपको पता होगा 7 का आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, 14 टाइम जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 14 का डिवाइड आप नीचे करेंगे और 14 का डिवाइड आप ऊपर करेंगे। तो 14 का डिवाइड इसमें किया तो 7 और 14 का इसमें किया -2। यस या नो। अब आता है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर ओके। अब यहां पर हम स्टूडेंट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वही है कि -36/60 रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना लेके आना है, 5। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन सबको क्या लिखना हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट मतलब लीस्ट फॉर्म, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपका, -12/30। तो इसको हमने स्टूडेंट टू से कट किया 15, टू से इसको किया 6, फिर ये 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 3 2 जा 3 5 जा यस। तो
तो ये आ गया माइनस टू अपॉन फाइव। ओके स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन नंबर फाइव। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। टू रैशनल नंबर है तो इनमें हमें क्या बताना है, ग्रेटर बताना है जो आपको जो पेयर गिवन है उसमें से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट इसमें कि थ्री अपॉन एट और ज़ीरो, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, बॉक्स लिया और अब हम यहाँ पर क्या है कि इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए कैसे करेंगे, वन का मल्टीप्लाई थ्री में किया थ्री, एट का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे ज़ीरो। अब जीरो और थ्री में कौन ग्रेटर है, थ्री, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर है। ओके, ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम इसमें देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है कि माइनस थ्री अपॉन फोर और वन अपॉन फोर में ये बताना है कि इनमें ग्रेटर कौन है। तो वो भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आप इस तरह से नोट करेंगे यहाँ पर, ये बॉक्स आप ब्रैकेट बना लेंगे, इसमें क्या होगा अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फोर का माइनस थ्री से माइनस ट्वेल्व और फोर का वन से फोर। तो यहाँ पर अब आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, तो अब आप पता होगा कि फोर आपका क्या है, ग्रेटर है, इसमें तो कोई सोचने का काम ही नहीं है। तो फोर ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर है। और स्टूडेंट यहाँ पर नंबर लाइन पर और भी हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करेंगे कि सपोज एक नंबर लाइन है आपकी जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, और यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा स्टूडेंट मैं आपसे ये कहूँ कि वन और फोर में कौन ग्रेटर है, तो आपका आंसर होगा फोर, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है। ओके, अच्छा स्टूडेंट टू और थ्री में कौन ग्रेटर है, थ्री, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है। ऐसे माइनस वन और टू में कौन बड़ा है, टू, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ है। माइनस फोर और माइनस वन में कौन ग्रेटर है, माइनस फोर और माइनस वन में क्या ग्रेटर है, माइनस वन, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है। ओके, तो राइट साइड की कोई टू वैल्यू है उसके राइट साइड वाली हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। ओके, तो यहाँ पर पता चलोगा वो माइनस ट्वेल्व और फोर में कौन ग्रेटर है, फोर ग्रेटर है आपका। अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव। ये क्वेश्चन नंबर फाइव का एक और लिया है हमने यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर लास्ट ये लिया है स्टूडेंट के माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन, इसमें ये बताना है ग्रेटर कौन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन ब्रैकेट, अब देखो वन लेकर के टू का माइनस टू वन से होगा माइनस टू और वन का माइनस वन से होगा, अब इनमें ग्रेटर कौन है, आप पता चलेगा होगा माइनस वन ग्रेटर है, यस, तो ये आपका साइन आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका कि विच ऑफ टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। वही सेम क्वेश्चन है कि जो आपको जो गिवन पेयर है उसमें क्या बताना है आपको, ग्रेटर बताना है। ओके स्टूडेंट, तो सिक्स में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। थर्ड देखिए इसका माइनस वन अपॉन थ्री और फोर अपॉन माइनस फाइव। फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, चूँकि माइनस आपका डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए तो ऊपर लिखा जाएगा, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फाइव का मल्टीप्लाई माइनस वन से, फाइव का मल्टीप्लाई माइनस वन से क्या होगा, माइनस के फाइव, और थ्री का मल्टीप्लाई माइनस फोर से माइनस ट्वेल्व। अब माइनस फाइव और माइनस ट्वेल्व में कौन ग्रेटर है, माइनस फाइव ग्रेटर है, आप देख भी सकते हैं माइनस फाइव आपका यहाँ पर होगा कहीं, आप नंबर लाइन पर देखें तो माइनस फाइव आपका यहाँ पर है और माइनस ट्वेल्व आपका ये, तो माइनस फाइव आपका बड़ा होगा क्योंकि आपको पता है कि ये जीरो साइड में है, पॉजिटिव साइड में है। ऐसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है स्टूडेंट कि अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर,
फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें आप सबसे पहले जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको ऊपर ले जाएंगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे 9, 12, 18 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम, वो कितना आएगा 36, जो कि ऑलरेडी मैंने करके आपको दिखाया है कि 9, 12, 18 3, 2 का डिवाइड करेंगे 9, 6, 9, 3 ऐसे हम करके 3, 3 जा 9, 9, 2 जा 18, 18, 2 जा 36। ओके तो एलसीएम कितना आ गया 36। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 36 लिख लिया। अब क्या करेंगे कि 9 का हम डिवाइड 36 में देंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में करेंगे माइनस 16, 12 का डिवाइड 36 में देंगे 3 टाइम जाएगा, उस 3 का जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई 15, 18 का डिवाइड हम इसमें करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे माइनस 14, 3 का मल्टी यहाँ पर 3 का डिवाइड हम 36 में देंगे 36 में, तो स्टूडेंट ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार 12 टाइम, 12 का 2 में करेंगे 24। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो इसकी अब कंपेयरिंग कैसे कराएंगे न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में आपने देखा माइनस 16 है, माइनस 15, माइनस 14, माइनस 24, तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी माइनस 24, ये तो फर्स्ट नंबर पर हो गया। अच्छा इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, माइनस 16/36, ये सेकेंड नंबर पर रहेगी। इससे ग्रेटर वैल्यू माइनस 15/36 और इससे फोर वैल्यू आपकी और जो ग्रेटर वैल्यू है वो है माइनस के 14/36। अब इसको क्या करेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर पे था दिस और इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है माइनस 2/3, फिर इससे ग्रेटर वैल्यू माइनस 16/36 और ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है 4/-9। थर्ड नंबर पे है आपका ये माइनस 15/12, एक बचा आपका ये हो गया। अब स्टूडेंट आपको ये देख रहा होगा कि यही क्यों लिखा हमने, इसको क्यों नहीं लिखा, उन्होंने कहा था कि इसको अरेंजमेंट करिए, इसको अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करना है, हमने अरेंजमेंट कर दिया, तो ये आपके क्या हो गए असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गए अरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट थैंक यू, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।